नमस्कार। वनौषधि सीरीज में आज हम लोग जानते हैं घुघुलू के बारे में। घुघुलू लैटिन नाम कोमिफोरा मुकुल, संस्कृत में घुघुलू, घुघुल, कौशिक, महिषाक्ष, पूर इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। पूर मतलब ये औषधों में श्रेष्ठ है, इसलिए पूर बोला जाता है। हिंदी में भी गूगल या घुघुलू बोले जाते हैं, गुजराती में गूगल, कंकण में कंठगण, तमिल में गुक्कुलू या गुक्कल, तेलुगु में मैसाजी, गुब्बुलू। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। आज इन डिटेल्स देना तो बहुत मुश्किल है, एक से डेढ़ घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते हैं। घुघुल कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली पांच प्रकार के, लेकिन हम लोग आज दो प्रकार के ही जानेंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर में दो ही प्रकार के घुघुल का व्यवहार होता है। एक है कण घुघुल और दूसरा है भैंसा घुघुल। कण घुघुल मारवाड़ एरिया में मिलता है, जो रक्ताभ और पीत रंग के होते हैं, यानी पीला रंग का होता है ये, और ये कोमल हो। भैंसा घुघुल होता है कच्छ एरिया में, इसका वर्ण थोड़ा सा हरिताभ पीत होता है। ये भैंसा घुघुल और कण घुघुल आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा व्यवहार होता है। घुघुल मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में जितने भी वनौषधि है उसमें से घुघुल एक बहुत ही सर्वोत्तम वनौषधि में से गिनती होना चाहिए, क्योंकि शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ पे इसका व्यवहार ना होता हो। अगर एक्सटर्नली देखी जाए तो ये सूजन को नष्ट करता है, दर्द को नष्ट करता है, कहीं फोड़े फुंसड़ी अगर कुछ भी हो जाए तो वो कम्प्लीटली ठीक करता है, और साथ में अगर कहीं कटा हुआ है या माने आपका किसी तरीके से घाव हो गया हो तो भी वो ठीक कर सकता है एक्सटर्नली। और इंटरनली अभ्यंतरीण यूज़ में तो इसका ये बेजोड़ है, इसका इतना प्रकार का है। चलिए कुछ थोड़ा सा जानते हैं आज इसके बारे में। ये हमारे जो सबसे कष्टदायक रोग है वात रोग, जैसे वात रोग मतलब जैसे संधि वात है जो घुटने का दर्द होता है जिसको गठिया भी बोलते हैं, आम बात जो रिमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और ये पूरा शरीर के हर एक अंगली तक को टेढ़ा कर देता है ये, तो इस तरह का ये जितने भी है गृद्धसी मतलब साइटिका नर्व पेन जिसको बोलते हैं, पक्षाघात पैरालिसिस, ये जितने भी वात व्याधि है, ये आप यूं कह सकते हैं 86 प्रकार के जो वात व्याधि का उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है, ये 86 प्रकार के वात व्याधि को ही ये कंप्लीटली ठीक कर सकता है। ये सर्व प्रसिद्ध औषध है ये घुघुल। इसके अलावा अग्निमंद में इसका यूज होता है, अग्निमंद मतलब जहां हजम की ताकत कम हो जाता, बीबंद कॉन्स्टिपेशंस, यकृत रोग मतलब लिवर का डिजीज, अर्स मतलब नॉर्मली बवासीर इत्यादि, पेट के बाकी और भी बीमारियों में भी इसका व्यवहार बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है। दोस्तों हार्ट में आजकल हमारे खान पान वगैरह बहुत कुछ बदलाव हो जाने की वजह से हर एक घर में देखिएगा, दो चार घर के आसपास में ही आपको नजर माने नजर में आ जाएगा या सुनने को मिल जाएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है, और माने क्या बोलते हैं उसको, क्लॉटिंग है, ये है वो है, तो ये घुघुल एक ऐसा है कि जैसे हार्ट ब्लॉकेज है,
हार्ट ब्लॉकेज देखिएगा बहुत मिल जाता है आसपास पे। ये हृदयावरोध अगर हो जाए ब्लॉकेज के कारण, जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, इसमें ये बहुत बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा उपदंश मतलब सिफिलिस वगैरह में भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। गंडवाला, अपची मतलब जितना भी तरह का ट्यूमर है, ग्रंथि या स्लीपर मतलब हाथी पाव, ये सब भी गूगल बहुत ही अचूक है, रामबाण औषधि है। इसका व्यवहार कई तरीके से किए जाते हैं, थोड़ा सा लंबा व्यवहार करना पड़ता है इसका, लेकिन ये एकदम श्योर शॉट रिजल्ट देने वाला औषधि है। ये टीबी, सांस कास, अस्थमा वगैरह में सब में यूज होता है। अगर पथरी हो तो पथरी में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा अगर स्त्रियों के लिए जैसे बाधक होता है, मतलब प्रॉपरली ये मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, पीरियड के समय बहुत दर्द होता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, बहुत रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेल के लिए अगर कहीं सीमेन की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। ये त्वचा में वर्ण विकार, जैसे कहीं अगर छोप छाप है या काला दाग धब्बा है तो उसको ठीक कर सकते हैं, कालापन को दूर किया जा सकता है, अच्छा खासा शरीर का रंग डेवलप हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी चमड़े का रोगों में इसका व्यवहार है। ये गूगल का व्यवहार में आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं, जैसे जोगराज गूगल, महाजोगराज गूगल, केसर गूगल, गूगल का बहुत बहुत ज़्यादा व्यवहार होता है आयुर्वेद में। और मैं समझता हूँ ये किसी भी आयुर्वेद जो आचार्य लोग हैं उनका, मेरे ख्याल से ये सबसे फेवरेट मेडिसिन होना चाहिए, जितना इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। ये हृदय है, हार्ट के कई सारे और भी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। इसके बारे में बोलने के लिए दोस्तों बहुत समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ लिमिटेशंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हम, तो इसलिए आज ही इतना ही। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने रिश्तेदार दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। जेन्युइन नॉलेज है, कोशिश यही है कि आप लोगों को सटीक से सटीक नॉलेज दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।